हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आप लोग कैसे हो? होप कि सब लोग अच्छे हो। और आज संडे है और हम लोग का प्लान है बाहर जाने का, तो जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर लिए और अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए आगे देखते हैं कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और मैं तैयार हो गया, रियर पिता रेडी हो ही रही है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। बट आज बाहर लग रहा है बारिश होने वाला है, पता नहीं, तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और बाहर के वेदर बहुत ही बेकार है और बारिश कभी भी आ सकता है। वेदर फोरकास्ट में भी थोड़ा बारिश दिखा रहा है, बट हम लोग बाइक लेके निकल रहे हैं तो पता नहीं रास्ते में कहीं बारिश हो जाए। दूर जाना है बहुत, आज अर्पिता के भाई के घर जाना है, यहाँ पे है कलकत्ता में, उनके शादी में क्या हुआ था पहले हम लोग, तो अभी बहुत दिन के बाद जा रहे हैं। तो ये आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से बादल पूरा ऊपर बरसने के लिए वेटिंग में है, पूरा हवा भी चल रहा है ठंड वाला। चलिए जल्दी हम लोग निकलते हैं, लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो 38-40 किलोमीटर के रास्ता है, जर्नी है, तो आज संडे हम लोग वही भी बिताएंगे। तो चलते आगे मिलते हैं। हम लोग जर्नी करके पहुंच गए हैं अर्पिता के भाई के घर। ये बैलकनी से मैं फ़ोटो उठा रहा हूँ। बारिश हमको मिला नहीं, जो उम्मीद कर रहा था कि बारिश होने वाला है, तो बारिश हुआ नहीं। बहुत ही अच्छा लक हम लोग का अच्छे साथ दिया। और इनके घर में देखिए गार्डनिंग किया है, थोड़ा पेड़ भी लगाया हुआ है, कुछ टेरेस पे भी है, आपको ज़रूर दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। बाहर बारिश का मौसम तो है, अगर बारिश अभी तक कोई हुआ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोग बाइक लेके इतने दूर आ गया और जाना भी है। और ये हम लोग का आज का लंच, यहाँ पे इतने सारे आइटम बना हुआ है। अर्पिता के भाई और भाभी ने मिलके इतने सारे हम लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है। मटन है, चिकन है, प्रॉन्स है, और चटनी भी है, पुलाव भी है, और मिठाई भी है। मतलब इतने सारे चीज़ बहुत दिन के बाद एक साथ खा रहे, तो शादी ही लग रहा है, किसी का शादी के घर हम लोग आए। चलिए खा लेते हैं, क्योंकि इतने सारे चीज़ खा के ख़त्म करना पड़ेगा और बहुत टाइम भी लगेगा। आराम आराम से खाएंगे, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं। और खाना खा लिया हम लोग, और अभी इनके टेरेस पर हुए जो फ्लैट है, नहीं है उसके टेरेस पर हुआ है। देखिए कितने सारे पौधे लगा हुआ है, गार्डनिंग किया हुआ है यहाँ पे, अलग अलग फ्लावर्स के, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सब लोग मिल के लगाए हैं, नज़ारा है तरफ का, रेडी भी बहुत है, बहुत आस पास है और वेदर भी बहुत अच्छा है। और मुझे भी शौक है, दिल्ली में जो फ्लैट में रहते थे वहाँ पे उतना लाइटनिंग आता नहीं था, तो मुझे अर्पिता को दोनों को बहुत शौक है ऐसे गार्डनिंग करे और ऐसे पेड़ पौधे लगाए छोटे घर के अंदर। हम लोग लगाएंगे कलकत्ता में भी, हम लोग अपने घर में लगाएंगे। अभी तो यहाँ पे सेटल हो गए, तो आराम आराम से धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे करेंगे। और एक घंटा नींद भी हो गया, ठीक है, बहुत दूर जाना भी है हम लोग को, तो चलिए मिलते हैं। और अभी हम लोग रूम पहुंच गए हैं, तो दोपहर को इतना ज़्यादा खा लिया आपको तो दिखा ही, कैसे कैसे हम लोग इतने सारे आइटम बनाया था अर्पिता के भाई और भाभी ने, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही हो गया था लंच। और शाम को भी मिठाई विठाई खा लिया, तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आपको वहाँ पे। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और सोने जा रहे हैं, रात के 10:30 भी बज चुका है, कल फिर से ड्यूटी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर आपको फिर कोई नया वीडियो दिखाएंगे, कहीं नया जाएंगे तो फिर ज़रूर आपको मिलाएंगे सबसे धीरे धीरे। और अर्पिता भी बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गया और मैं भी टायर्ड हो गया, तो आज जल्दी हम सो जाएंगे। आज तो 11 भी नहीं बजा और अभी सोने जा रहे हैं हम लोग। आने के बाद क्या हो रहा है ना,
चारों ओर इतना शोर शराबा हो रहा है, इतना माइक वाइक बज रहा है, हम लोग दोनों को मतलब नींद में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब नींद पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि चारों तरफ प्रोग्राम चल रहा है, माइक बज रहा है, कहीं पे कुछ गाना चल रहा है, शादी का माहौल भी है, तो आज थोड़ा सा साइलेंट मोड लग रहा है चारों तरफ, ज़्यादा साउंड भी नहीं है आसपास, और जर्नी भी बहुत ज़्यादा हुआ आना जाना, तो टायर्डनेस भी है, तो आज नींद अच्छा आ जाएगा, और आसपास आवाज़ भी नहीं है, आप सुनाई दे रहे होंगे, आपको साइलेंट मोड में है, 10:30 बजे 11:30 बजे तो इतना साउंड ले से तो अच्छा है। हाँ हम लोग इतना ज़्यादा लंच कर लिया, डिनर भी नहीं कर रहे हम लोग, पानी पी लिया ज़्यादा से, और अभी सो जाएंगे और फिर कल सुबह उठेंगे और ऑफिस के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है चलिए यहीं पे आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, और और हाँ वीडियो अगर आखिर तक देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कि हमारे वीडियो के कौन से पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।